रखते हैं। हैदराबाद में मुतहदा कौमी मूवमेंट के यौम तासीस के जलसे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम थे। मुतहदा कौमी मूवमेंट APMSO के कारकुनों के अलावा रेंजर्स पुलिस की भारी नफरी ने सिक्योरिटी और ड्यूटी अंजाम दी। हैदराबाद से धूम न्यूज के नुमाइंदे इरफान उर्फी के मुताबिक मुतहदा कौमी मूवमेंट के बागी मुस्तफा ग्राउंड लतीफाबाद में होने वाले यौम तासीस के जलसे आम के मौके पर जलसेगाह के अतराफ सिक्योरिटी इंतजाम को इंतहाई सख्त किया गया था। रेंजर्स पुलिस की भारी नफरी के अलावा MQM APMSO के कारकुनान सिक्योरिटी ड्यूटी और ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे। जलसागाह में आने वाले अफराद वॉक थ्रू गेट से गुजरकर जलसागाह में आ रहे थे। मर्दों और खवातीन के जलसागाह में दाखिले के गेट पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए थे, जबकि दाखिले और खारिजी रास्तों पर पुलिस की नफरी और मुतहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान भी मौजूद थे। जलसागाह के अतराफ बुलंदोबाला इमारतों पर भी रेंजर्स पुलिस के अहलकार तैनात किए गए थे। मरकजी गेट पर हसास आलाफ से लेस मुसल्ला पुलिस एहलकार तैनात थे, जबकि खवातीन पुलिस एहलकारों की भी बड़ी तादाद जलसागाह के अतराफ तैनात की गई थी। लोगों की बड़ी तादाद जुलूसों की शक्ल में जलसागाह पहुंच रही थी, जबकि जलसागाह आने वाली गाड़ियों की पार्किंग के लिए अलहदा इंतजाम किए गए थे। 500 से जायद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मौजूद थे। 1000 से जायद पुलिस एहलकार और 500 से जायद रेंजर्स के एहलकार जलसागाह के अतराफ तैनात किए गए थे। 20 वॉक थ्रू गेट लगाए गए थे, जो कि जलसागाह के अतराफ लगाए गए थे, जिनसे गुजरकर खवातीन अफराद जलसागाह में दाखिल हो रहे थे। हैदराबाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के यौम तासीस के बागे मुस्तफा ग्राउंड में होने वाले जलसे में जहां लाखों अफराद ने शिरकत करके अपने कायद अल्ताफ हुसैन से तजदीद अहद किया, वहां पर बागे मुस्तफा ग्राउंड के बाहर और अतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई तरीन इंतजाम किए गए थे। जहां रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, वहां जलसागाह के अतराफ MQM के कारकुनों और APMSO के कारकुनों ने सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम दी और अपने नज्ज व जब्त की वो आला मिसाल को बरकरार रखा, जो कि MQM के जलसों में नजर आती है। कैमरामैन अब्बास अली के साथ इरफान उर्फी धूम टेलीविजन।